जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका माय ज्योतिष में। मैं हूं आपकी सारथी त्रिशला। 21 जून 2020 पड़ रहा है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के साथ साथ अगर मैं बात करूं अध्यात्म की, तो इस वक्त 6 ग्रह वक्रियता पे चल रहे हैं और इस सूर्य ग्रहण के ऊपर मंगल की सीधी दृष्टि पड़ने वाली है। ये वक्त अगर हम देश और विदेश की बातें करें तो अच्छा नहीं जाएगा। ये सूर्य ग्रहण कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से बहुत सारी हानियों का कारण बन जाएगा, देश के अंदर आपदाएं बढ़ाएगा और बहुत सारी आर्थिक स्थितियों को उतार चढ़ाव की स्थिति पर लाकर खड़ा कर देगा। महामारी से तो हम पहले ही ग्रस्त हैं, लेकिन इस सूर्य ग्रहण के कारण हमारे जीवन में अस्त व्यस्तताएँ और बढ़ जाएंगी। इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए कौन सी राशि वालों को क्या दान करना चाहिए और कैसे इससे बचना चाहिए, ये मैं आपको बता देती हूँ। सूर्य ग्रहण की सुबह आपको सबसे पहले उठकर ज़रूर हल्दी डालकर पानी से स्नान करना चाहिए, ताकि ग्रहण का कोई भी कुप्रभाव आपके जीवन पे ना आए। अगर आपके घर के अंदर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो आप उन्हें आज के दिन ज़रूर हींग, लौंग और काली मिर्च पल्ले में बांध कर उनके पास रख दीजिएगा। ये सूर्य ग्रहण प्रातः 10:13 से लेकर 1:50 तक लगेगा। इस बीच में कोई भी पूजा का कार्य वर्जित होता है, मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं, आपके घर में रखे हुए खाद्य पदार्थ और जैव पदार्थ यानी कि जो भी जल है, दूध है, उन सब में आपको तुलसी के पत्ते डालकर रख लेना चाहिए। आपको जो भी दान करना है वो आप सूर्य ग्रहण के दौरान उठाकर रख दीजिए और सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद आप उसको दान अवश्य कर दीजिए। चलिए मैं बता देती हूँ कि कौन सी राशि वालों को क्या दान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण का प्रभाव मंगल राशि पे बहुत तीव्र आने वाला है। आपके अंदर एक अलग सा क्रोध उत्पन्न होने वाला है और आपके जीवन में आर्थिक अव्यवस्थाएं बढ़ने वाली हैं, इसलिए आपको सूर्य ग्रहण के बाद गेहूं का दान करना चाहिए और आपको अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। वृष राशि, आपके जीवन पर ये प्रेम को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें चालू करेंगे, आपके इमोशनल सेक्टर में कहीं ना कहीं डिसबैलेंस आने लगेगा और आप मेंटली कहीं ना कहीं परेशानी में आएंगे। आपको ग्रहण के बाद गुड़ का दान करना चाहिए और हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त करना चाहिए। मिथुन राशि, ग्रहण का बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आपकी राशि पर आने वाला है, इसीलिए आपको ग्रहण के बाद हरे मूंग की दाल का ज़रूर दान करना चाहिए और आपको किसी बड़े धार्मिक व्यक्ति से, बुजुर्ग व्यक्ति से आपको आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के ऊपर इसका प्रभाव स्वास्थ्य को लेकर और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आने वाला है, इसलिए कर्क राशि वाले अपनी माताओं से आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें और ग्रहण के बाद आपको किसी कपड़े का दान किसी ब्राह्मण को ज़रूर कर देना चाहिए। सिंह राशि, आपके लिए ये कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण थोड़ा सा फायदेमंद साबित होने वाला है, इसीलिए आपको जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाए तो कोई तांबे का लोटा या तांबे का बर्तन किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए और आपको अपने पिता से आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि वालों को ये ग्रहण कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उलझाने वाला है या किसी के साथ आपका बैर बढ़ाने वाला है। आपको ग्रहण के बाद किसी भी मंदिर में जाकर अन्न का दान करना चाहिए या फल का दान करना चाहिए और वहाँ पर जो भी पंडित उपस्थित हों उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त करना चाहिए। बात करती हूँ तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए ये ग्रहण कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उन्हें कमज़ोर करेगा। इमोशनली वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक हलचल महसूस करेंगे, कहीं ना कहीं उनके विल पावर में थोड़ी सी कमी आती मुझे दिखाई दे रही है। तो ग्रहण के पश्चात आपको दूध का दान करना चाहिए और आपको अपनी माता से या बड़ी बहन से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रहण कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा साबित होगा। आपको फाइनेंशियली कुछ गेन्स होने वाले हैं, इसीलिए आपको हनुमान जी का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करना चाहिए और आपके इस ग्रहण के बाद आपको गेहूं और गुड़ दोनों को मिलाकर दान करना चाहिए। बात करती हूँ धनु राशि के बारे में।
धनु राशि के लिए ये ग्रहण कहीं ना कहीं नकारात्मक सिद्ध होने वाला है, इसीलिए आपको धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। ग्रहण के बाद आप गीता, रामायण या फिर किसी भी धार्मिक पुस्तक का दान ज़रूर कर दीजिए। और जैसे ही ग्रहण खत्म होता है उसके बाद आप अपने घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी मत भूलिए। मकर राशि, मकर राशि के ऊपर से वैसे ही शनि वक्रिय होकर चल रहे हैं, साथ में इस समय गुरु भी वहीं पे विराजमान हैं और वो भी इस समय वक्रिय हैं, तो ये ग्रहण कहीं ना कहीं आपकी मानसिक गतिविधियों को बढ़ा देगा। आप बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे, आपको शारीरिक कष्ट रह सकते हैं और साथ में आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी हो सकता है। इन सबसे निजात पाने के लिए आपको तांबे की वस्तुओं का दान करना चाहिए, आपको शनि मंदिर में जाकर काले कपड़े का दान करना चाहिए और आपको किसी बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करना चाहिए। बात करती हूँ कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए ये ग्रहण कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में दिक्कतें पैदा कर देगा, घर में थोड़ी तकलीफें बढ़ा देगा या बच्चों की वजह से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप इन सबसे निजात पाना चाहते हैं तो आप लोहे की वस्तुओं का दान करिएगा और साथ में कोशिश करिएगा कि आप किसी ज़रूरतमंद को कोई दवाइयाँ दे दें। साथ ही साथ में अपने घर के बड़े बुजुर्गों से और कन्याओं से ज़रूर आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए ये ग्रहण फिर भी थोड़ा अच्छा जाएगा, आपकी पिछली चल रही तकलीफ़ों को ये ग्रहण कहीं ना कहीं शांत कर जाएगा। आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें स्थिर करने का काम ये ग्रहण कर जाएगा, परंतु फिर भी आपको पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए और आपको किसी बड़े बुजुर्ग और ब्राह्मण से आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करना चाहिए। चलिए, आप सब अपना कल्याण ज़रूर करिएगा, ध्यान रखिएगा और ग्रहण पर आप ये कार्य ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ग्रहण का कोई कुप्रभाव आपके जीवन पे कभी ना आ पाए। मैं फिर आपसे मिलने जल्द आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।